सर मैं 200 कर्मचारियों को हटा दिया और 40 को चलते चुनाव के दौरान दो दिन में हटाए, 40 अभी दो दिन में आचार संहिता के बाद जिला कलेक्टर ने बिना कोई नोटिस बिना शिकायत के। एक मैं ये कह रहा हूँ, एक तो मंडावा और खींवसर में बड़ी संख्या में प्रधानाध्यापकों प्रिंसिपल और उनका तबादला किया, वो तो इनको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। आचार संहिता के दौरान आप बिना जांच किए अगर कोई चुनाव का प्रचार आरएलपी या कांग्रेस का कर रहा है शिकायत में, तो चुनाव आयोग उसकी जांच कराएगा, फिर आयोग की परमिशन से हटाओगे। वहाँ जिला कलेक्टर नागौर के अंदर और यहाँ के जिला कलेक्टर अपने आप ही लाते ही तमाम तुरंत हटा दो। कल जैसे ये आपका जो बिसाऊ के ईओ को सस्पेंड कर दिया, बिन एक कारण सस्पेंड कर दिया, और चेयरमैन को भी कहा कि आप धीरे चरण आपको भी कर दें। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से हम व्यक्तिगत मांग भी कर रहा हूं मैं मीडिया के माध्यम से, और कल मैं पत्र भी भेजूंगा कि बिना बात के जो अकारण मंडावा और खींवसर में आरएलपी और बीजेपी के कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, बच्चों को झूठे 107 छोड़ा के नोटिस दे रहे हैं हर किसी को कि 10 आदमी गांव में ही है उनको नोटिस जाके तामील कराओ, 2000 का मुचलका भराओ, बदमाशी मत करना, अगली बार करेगा तो तेरे को जेल में डाल देंगे। और जिनके बदमाश गुंडे जिन पे 50-50 मुकदमे, उनकी किसी की भी गुंडा एक्ट के अंदर 110 में कोई फाइल अभी नहीं खुली। 27 MLA बने, BTP बसपा RLP और जो दूसरे निर्दलीय मिला के हम 27 लोग जीते 90 के बाद पहली बार। तो हमारा बहुत बड़ा इसके अंदर सहयोग रहा कि कांग्रेस डाउन हुई राजस्थान, नहीं तो लोग वसुंधरा के खिलाफ आंख बंद करके वोट दे देते। और तीसरे विकल्प की जो बात कर दी, हमने तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर खड़ा किया, नई पार्टी बनाई, नई पार्टी भी पहली बार बनी और उसको मान्यता दिलाई। खान आपके क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए नहीं आ रहे, क्या कारण मान रहे हैं? सभी बड़े नेता आ रहे हैं उसके बाद कौन सा वोट है जो आ रहा है, वो सही नहीं हुआ मेरे लिए। मैंने ये कहा था कि अशोक गहलोत को मैं चुनौती देता हूँ कि अशोक गहलोत ये बयान दे कि कांग्रेस अगर हारे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि गहलोत ने पूरी मशीनरी खींवसर में झोंक रखी है, 14 मंत्री और 60 MLA कितने 14 मिनिस्टर। अच्छा, गलत ये बयान दे के कांग्रेस हारती है तो मैं रिजाइन दूंगा CM के पद से, और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा भाई हारता तो मैं सांसद से इस्तीफा दे दूंगा, वो मैंने उसको चुनौती दी। अशोक गहलोत के मंत्री राजस्थान को लूटने में लगे हुए, और अशोक गहलोत से भी सुपर CM देवाराम है जो उसका OST अशोक गहलोत का, वही राज को चला रहा देवाराम, कुलदीप रांका के पास कोई सामान नहीं ज्यादा। अब ये तो आप राठौर साहब से इनसे पूछते ना, बीजेपी के तमाम नेता जो है, तो मैं तो ये कोशिश कर ही रहा हूँ उनको साइडलाइन करूँ, मेरी तरफ से तो पूरी ताकत लगा रखी है, मेरा बस चलेगा तो करके छोड़ूंगा मैं तो लगा हुआ हूँ जी जान से। इन चुनाव में देखा होगा आपने, गठबंधन के अंदर भी, पहले गठबंधन में भी आपने देखा होगा कौन है कहाँ ऐसे, पता नहीं कितने लोग कहाँ पे हैं, उसे कहाँ पे है, किस जगह, कौन से पद में, क्या है साहब का, जिनके दारिया एनकाउंटर में जिस परिवार से जो था, जब उस परिवार ने राजीनामा कर लिया तो मेरा किस बात का झगड़ा, आप बताओ मुझे, चलो बताओ। तो दारिया से दारिया एनकाउंटर में मामला था क्या? दारिया एनकाउंटर का था, वसुंधरा जी के राठौड़ साहब पैरोकार थे और वसुंधरा के साथ जितने भी लोग थे राठौड़ साहब के अलावा, उन सब से मेरा झगड़ा था। ये भी कहा जा सकता है कि वसुंधरा जी से भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं, किसी बात पर अगर राड हो तो खत्म हो जाए। नहीं, अब तो कैसे हो सकता है, राठौड़ साहब तो यार, अब राठौड़ साहब से मेरी बात सुनो, राठौड़ साहब से राजीनामा तो दारिया के परिवार ने किया था और मैंने नहीं कराया था, उसमें तो जाट देता हूँ, मैं सूची दे दूंगा आपकी 40 की, जिनसे बात करना भाई आपने क्यों कराया राजीनामा। वसुंधरा से क्या लड़ाई? अब वो लड़ाई तो कई लोग ऊपर सिदार गए, कई कोमा में, अब उनको पता, उनको बात करे जब। तो मैंने ये कहा था कि अशोक गहलोत को मैं चुनौती देता हूँ कि अशोक गहलोत ये बयान दे कि कांग्रेस अगर हारे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा भाई हारता तो मैं आरोप लगा रहे कि अशोक गहलोत जी है वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये चुनाव अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल इस तरह का भी उन्होंने आरोप। हनुमान बेनीवाल जी है, हनुमान है इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो हनुमान जो है वो हनुमान है। तो हनुमान का नाम ऐसा है कि अब उनको मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि वो उस पार्टी से मिल गए जिसकी नेता को ये रोज कोसते थे यहाँ पर राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, और अब राजनीति करने लग गए हैं तो उनका फ्यूचर दिखता होगा वहाँ पर, बोलने में, एक्शन में, और
ग्रीन मूव नंबर।